हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज चलो हम बनाएंगे मेथी मलाई पनीर। तो ये हमने पनीर लिया है 200 ग्राम, आप अपने हिसाब से लीजिए। और ये ऑनियन चॉप कर लिया है, प्याज अदरक लहसुन, और ये खड़े मसाले हैं, इलायची है, तेज़पत्ता वगैरह सब है इसमें, दालचीनी वगैरह और लौंग। और ये हमने लिए काजू और मेथी, और ये है दही। तो दही में ये हम मिला लेंगे पहले पनीर को। पनीर का हम गार्निश करके रख देंगे। तो ये हमने दही लिया है, दही खट्टा नहीं ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्ची काट के चॉप की हुई है। और इसमें अभी हम डालेंगे मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और अभी थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मेथी, जो मेथी हमने कस्तूरी मेथी लिया है उसको डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला, सब डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें पेस्ट अदरक लहसुन का भी डाल सकते हैं, एक्चुअली वो मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो नहीं डाला है मैंने। और इसको ऐसे मैश करके कस्तूरी मेथी को मिला के और हम इसमें फिर पनीर डालेंगे। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं सबको। और इसको क्या है, मिलाने के बाद इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से पनीर में पूरी मसाले मिल जाएं। तो ये अब हम पनीर डाल देंगे इसको, और सब पनीर मिला के मसाले, और इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तब तक। और फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे का करते हैं। तो इसमें अभी हम फ्राई करेंगे प्याज, सब मसाले डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन, अदरक, खड़े मसाले जो भी हैं वो हमने लिए हैं, और इसमें काजू भी डाल देंगे। और इन सबको हम भून लेंगे। और अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। अब ये हमारी प्याज जब तक भून रही है, इसको एकदम हम लाल कर लेंगे अच्छे से, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। और तब तक के लिए आप लोगों से एक ही विनती है, प्लीज़ अभी मेरा वीडियो पूरा देखना है, और अभी मुझे WT चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो स्किप मत करना। अभी मेरे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं आते थे, 5 मिनट के, 4 मिनट के वीडियो थे, तो ज़्यादा वीडियो अभी 2-3 दिन से आया भी नहीं है। तो अभी ये देखिए हमारा प्याज भुन गया है। तो अभी इसमें हम टमाटो भी भून लेंगे इसको निकाल कर, क्योंकि अभी हमारे पास प्यूरी नहीं है, नहीं तो आप प्यूरी डाल सकते हो, तो टमाटो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हम निकाल लेंगे और फिर हम इसमें टमाटो फ्राई कर लेंगे। प्यूरी भी टमाटर फ्राई करके ही बना के रख लेते हैं, इमरजेंसी में काम आती है। तो अभी हम खुद यहीं पे ताज़ा टमाटो लेके अपना इनको भी फ्राई कर लेंगे, फिर हम एक साथ सब पूरे मसाले पीस लेंगे, तो ये हमारे भी फ्राई हो जाएंगे। तो बस प्लीज़ आप वीडियो को मेरे को पूरा देखना है। और अभी जो हो गए हैं बन के, तो उनका वीडियो आपको अलग से आएगा एक। अभी 2 दिन से मेरा वीडियो कोई आया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी, टाइम नहीं मिल पाया है। तो ये सब हमने करके पीस लिया है पूरे मसाले। तो इसका पेस्ट बना के, और तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम किसी भी चीज़ का तड़का नहीं देंगे, क्योंकि पनीर में जीरा ईरा अच्छा नहीं लगता है, और जीरा डालते भी नहीं है इसमें। तो बस ये मसाले हम फ्राई कर लेंगे, फिर इनमें हम अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि वो हमने पनीर जो गार्निश करके रखा हुआ है, तो उसमें जो हमने मसाले डाले तो उसी हिसाब से अभी हम इसमें डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इसमें हम हल्दी डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि उसमें भी हमने हल्दी डाली हुई है, और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, नमक स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि उसमें भी डाला हुआ है। और बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी। और अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे,
ऐसे तो हमने उसमें खड़े मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे, जरा सा, एक पिंच के हिसाब से। आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे खेल रहे हैं नीचे, बहुत शोर मचाते बच्चे। तो ये देखिए, और अभी हमने जो हमारी मेथी बची हुई है कस्तूरी, तो उसको हम डालेंगे। तो बस अभी इसमें हमने मसाले सब सारे डाल दिए हैं, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और डाल देंगे, और इसमें अभी हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी बची हुई है जो, उसको डालेंगे। और अभी इसको हम डाल देंगे, जो हमने पनीर रखा हो सब मसाला मिला के उसको डाल देंगे ऊपर से। और फिर हम इसको, इसका ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना है, एकदम थिंक जैसा बनाना है। तो ये बहुत अच्छा टेस्टी बना है, आप लोग भी बनाइए मेथी मलाई पनीर। और अभी इसमें हम ये मलाई डाल देंगे ऊपर से। तो मलाई को मैंने ना थोड़ा सा ये कर लिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें से निकाल के ना इसको टेम्परेचर पे ला के, नहीं तो वो पनीर में डालते गरम गरम में तो फट जाता है, इसलिए ना उसको बाहर निकाल के टेम्परेचर पे ला के और फिर डाला है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, मेथी मलाई पनीर। तो आप इसको किसी के साथ भी खाइए, नान के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ, जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से खाइए। तो चलो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, प्लेट में सब कर लेते हैं। तो बस वीडियो मेरा इतना सा ही है, पूरा प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ये देखिए हमारा बन गया है मेथी मलाई पनीर, मिलते हैं आपको नए